हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं पतंजलि का शैम्पू रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं पतंजलि केश कांति हेयर क्लेंजर विथ मिल्क प्रोटीन। दिस इज़ द बॉटल। पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि केश कांति की सारी पैकेजिंग कुछ इसी तरीके की आती है, बट मुझे इसका जो ये ग्रीन कलर जिसमें कि हर्बल कुछ एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है, कुछ फ्लावर एक्सट्रैक्ट हैं, और तो ये ग्रीन और वाइट के टेक्सचर में जो बनाया गया है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्लिप टॉप कवर है तो ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के शैम्पू जो भी आप कभी भी स्टोर करके ले जाइए बैग्स वगैरह में तो निकल जाते हैं। तो अच्छा, जो है ट्रैवल फ्रेंडली कंटेनर्स वो यूज़ करना चाहिए, या फिर जो स्प्रे बॉटल आती है या इस तरीके की पंप बॉटल आती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कंपेरिजन टू दिस फ्लिप टॉप कवर। कुछ इस तरीके से वाइट कलर का इसका टेक्स्चर है, क्योंकि मिल्क प्रोटीन शैम्पू मोस्टली वाइट कलर में ही रहते हैं। को आप दो बार प्रेस करेंगे तभी अच्छे से लॉक होता है, अदरवाइज इसके लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हमेशा आप स्टैंड करके रखें, कभी भी ऐसे ना रखें बेंड करके, अदरवाइज़ इसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इट्स 100% नेचुरल, देख सकते हैं आप, एक ग्रीन साइन है। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके इंग्रेडिएंट में मिक्स है भृंगराज, मेहंदी, नीम, तुलसी, घृतकुमारी, और बेस मटेरियल में है आपका एक्वा और हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन। इसमें मेंशन है कि समय के साथ हो सकता है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बट इसका इफेक्टिवनेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया गया है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। इसमें सिर्फ सुगंधित द्रव यूज़ किया गया है, यानी कि परफ्यूम, और वेट हेयर पे यानी कि गीले बालों पे 2 to 5 ml अप्लाई करने को कहा गया है। तो 2 to 5 ml आई डोंट अंडरस्टैंड कितना होता है, बट 200 ml का ये प्रोडक्ट है, और प्राइस की मैं बात करूँ तो 95 rupees का है। सल्फर फ्री शैम्पू आपको मिल रहा है 95 rupees का 200 ml, विच इज़ ओके, आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये मिल रहा है आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये मेरे बालों पे, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तब जाके ये, मतलब मैं मैंने इसको 15 से 20 दिन पहले ख़रीदा है और ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करके हेयर वॉश करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि आपके बालों के ऑयल को ये कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको शैम्पू चाहिए होता है। अगर आप विदाउट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जैसे इसमें मेंशन है 2 to 5 ml में शायद हो जाए, लेकिन मेरे जैसे अगर लंबे बाल हैं आपके और अगर आपने ऑयलिंग करके शैम्पू करना स्टार्ट किया है तो बहुत ही ज़्यादा शैम्पू लग जाते हैं। साथ ही साथ ये शैम्पू जो है क्लीन तो करता है बालों को, लेकिन भाई ये भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया तो मैंने इतना ज़्यादा शैम्पू नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं शैम्पू कम से कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहे थे। तो बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ हुआ बालों से कम्प्लीटली ऑयल को रिमूव करने में, तो मुझे ये इसका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट लगा। और मोस्टली मैंने वाव के प्रोडक्ट में भी मुझे यही इशू दिखा था कि मतलब बाल जो है बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू जो है खर्च हो जाते हैं अपने बालों की ऑयलीनेस को रिमूव करने में। बाकी हेयर को आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर देता है, बाल आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि मिल्क प्रोटीन है तो बहुत ही अच्छे कंडीशनर का वर्क करता है। विदाउट कंडीशनर भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू कर रहे हैं, तो आपको कंडीशनर की नीड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये मिल्क प्रोटीन है तो बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। और इसमें स्पेशली मेंशन है कि फॉर ड्राई एंड रफ़ हेयर, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो गए हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इस मानसून सीज़न ये परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें नीम है, तो अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस, खुजली की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस सीज़न में बहुत लोगों के जो हेयर होते हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी से हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं एक्चुअली। तो इस सीज़न में आपको कुछ मिल्क प्रोटीन बेस्ड शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए, ऑयल बेस्ड शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए जो आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। तो ये शैम्पू परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मिल्क प्रोटीन है, आपके बालों को नरिश करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, तो बाल आपके बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी और डैमेज नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप किसी कम रेंज में सल्फेट फ्री शैम्पू की तलाश में हैं तो आपको पतंजलि केश कांति का मिल्क प्रोटीन शैम्पू ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली दिस मानसून सीज़न। बस मुझे एक ही कमी लगी, एक ही ड्रॉबैक लगा कि बहुत ज़्यादा शैम्पू कंज्यूम करना पड़ता है अपने बालों के ऑयल को रिमूव करने के लिए। सो हेयर फॉल के लिए इसने कोई क्लेम ही नहीं किया है कि आपके हेयर फॉल को रोकता है कि नहीं, बस इसने क्लेम ये किया है कि ये आपके ड्राई और रफ़ हेयर को जो है वो नरिश करता है। और इसमें सारे ही नेचुरल प्रोडक्ट को मिक्स किया गया है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
क्योंकि भृंगराज आपके हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने में इफेक्टिव होता है, मेहंदी जो है आपके बालों में शाइन ऐड करता है, आपके बालों पे एज ए लेयर वर्क करता है, साथ ही साथ नीम जो है वो डैंड्रफ और खुजली की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, तुलसी भी जो है इन्फेक्शन से बचाता है, बालों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने से रोकता है, और घृतकुमारी आपके बालों को सॉफ्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बालों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिल्की और शाइनी बना देता है। सो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग ये था रिव्यू अबाउट पतंजलि केश कांति शैम्पू। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो मैं भी फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शैम्पू मुझे यूज़ करना पड़ा इसको अपने हेयर को कम्प्लीटली वॉश करने में। तो मतलब ये अगर आपने 200 ml का प्रोडक्ट लिया है और अगर आपके बाल मेरे इतने लंबे हैं तो ये 3 से 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 बार अगर आपने हेयर वॉश किया तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा एक नया पैक लेना पड़ेगा। तो यही इसका ड्रॉबैक है, अदरवाइज 100% नेचुरल सल्फेट फ्री शैम्पू है, मानसून सीज़न के लिए परफेक्ट है और ये इजीली अवेलेबल है सारी पतंजलि स्टोर्स में और आई थिंक ऑनलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है, आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। तो प्राइस अकॉर्डिंग परफेक्ट है, पैकेजिंग भी मुझे परफेक्ट लगी है और वर्क भी अच्छा करता है, सही है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, SickTechLogic11 वहाँ का मेरा हैंडल है, वहाँ आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पैन करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।